हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद कॉन्फिडेंस। आज हम बनाएंगे सांभर बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल में। इसे बनाने के लिए आपको सांभर पाउडर की भी ज़रूरत नहीं है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप एक कुकर लीजिए, उसमें आप डाल दीजिए ये तुअर की दाल, ये मैंने एक कप लिया है। इसे धो के कुकर में डाल दीजिए। अब इसके साथ मैंने डाला है ये ग्वार की फली, इसको मैंने ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिए। इसके साइड से इसके वेन्स, जो मोटे वेन्स थे वो काट लिए हैं। और ये जिमीकंद, ये ऑप्शनल है, ये डाल दीजिए और पानी मिला लीजिए। अब इसे दो स्टीम आने तक पका लीजिए। तब तक हम इसके लिए इमली ले लेते हैं। ये बड़ी बड़े नींबू जितनी इमली है, इसको पानी में भिगो देते हैं। अब इसमें स्टीम जा चुका है, हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। अब ये अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें प्याज मिला लेते हैं। ये दो बड़े प्याज हैं, इसे मैंने मोटा स्लाइस कर लिया है। थोड़ा सा मैंने तड़के के लिए बचा लिया। अब हम इसमें मिलाएंगे एक मीडियम साइज़ आलू, एक बैंगन, ये तीन हरी मिर्ची हैं, ये दो बड़े टमाटर हैं। मेरे पास ड्रमस्टिक नहीं था, आपके पास अगर हो तो आप ज़रूर ऐड कीजिए। इसमें हम पानी मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक, थोड़ी सी हल्दी, फिर अच्छे से मिला लेते हैं। एंड इसे एक स्टीम आने तक पका लेंगे। तब तक हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। एक पैन ले लीजिए, इसमें थोड़ा तेल डाल दीजिए। इसमें एक भिंडी डाल देंगे, इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसमें मिलाएंगे 4 टीस्पून भर के धनिया का पाउडर। थोड़ी सी हल्दी मिला लेंगे, 1.5 चम्मच मिर्ची का पाउडर और 2 चुटकी मेथी का पाउडर। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम पे। अब हम कुकर खोल के देख लेते हैं ये अच्छे से पक चुके हैं कि नहीं। जी हाँ, ये अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें ये जो हमने मसाला रेडी किया था इसे मिला लेंगे। ध्यान रहे मसाला फ्राई करते वक्त फ्लेम लो ही रखें। आलू में अच्छी खुशबू आए तब तक आप इसे लो फ्लेम में फ्राई कीजिएगा। अब हम इसमें थोड़े से पानी ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें एक कड़ी पत्ते मिला लेते हैं। अब अच्छे से उबलने के बाद हम इसमें मिलाएंगे इमली का पानी। अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम एक तड़का पैन गरम कर लेंगे, उसमें डालेंगे तेल, सरसों डाल देते हैं। जब सरसों फूटने लग जाए तब हम इसमें मिलाएंगे थोड़े से जीरा, फिर इसमें मिलाएंगे वो प्याज जो हमने निकाल रखे थे, उसको फाइनली चॉप कर लीजिए। फिर मिला लेते हैं कड़ी पत्ते, फिर मिलाएंगे ड्राई रेड चिल्लीज। जब ये प्याज अच्छे से ब्राउन जैसा कलर हो जाए तब हम मिला लेंगे इसमें हींग 1/2 छोटा चम्मच, और इसको फटाफट से हम सांभर में मिला लेंगे और इसको ढक देंगे। सांभर रेडी हो गया है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आप भी बनाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।